वंदे मातरम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा। ये है छोटा ऊ की मात्रा। और ऊ की मात्रा कैसी होती है? ऐसे ये नीचे लगाई जाती है, किसी भी वर्ण के नीचे में लगती है ये। जब हम ऊ की मात्रा को पढ़ते हैं तो पीछे उच्चारण भी ऊ की तरह ही निकलता है। जैसे क में लगा तो कु, ख में लगा तो खु, ग में ऊ की मात्रा लगी तो घु, ऐसे ही। और ऊ की मात्रा को हल्के से उच्चारण करना है। ओके, तो ऊ की मात्रा वाले शब्द आज हम पढ़ेंगे। ओके, देखो और पढ़ो। यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर भी बनी हुई है साथ में। ग प्लस कौन सी मात्रा है? ये छोटा ऊ की मात्रा। प्लस ल प्लस ये कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। आ की मात्रा तो अभी अच्छे से पहचान में आ रही होगी ना आप लोगों को। प्लस ब, क्या हो गया? ग में छोटे ऊ की मात्रा को ज्वाइंट किया तो क्या हो गया? गु। फिर ल में आ की मात्रा को ज्वाइंट किया तो ला। और ब गुलाब। ये गुलाब की पिक्चर भी बनी हुई है। ओके, ग प्लस छ प्लस ऊ प्लस अ प्लस आ की मात्रा। कछुआ। ऊ की मात्रा को हल्के से बोलना होता है, ठीक है? जोर नहीं लगाना है। हाँ, हल्के से, जैसे छोटी ई की मात्रा में हम लोग हल्के से बोलते थे, वैसे ही छोटे ऊ की मात्रा में भी हम लोगों को हल्के से मात्रा का उच्चारण करना है। जैसे गुलाब, कछुआ। नेक्स्ट है पढ़ो और समझो। ध में ऊ की मात्रा लगी तो धू, न धुन, चुन, गुड़, खुल, कुतर, साबुन, पुजारी, चुईया, सुपारी, दुगुना। नेक्स्ट है आओ पढ़ें। यहाँ पर कुछ वाक्य बने हुए हैं और यहाँ पिक्चर्स भी दिए गए हैं। आपको पिक्चर्स को देखना है और वाक्य पढ़ना है। चलिए मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। सुमन आई गुड़िया लाई, मुनमुन गुड़िया की चुनरी लाई। सुमन ने गुड़िया की शादी करवाई, बुढ़िया दादी और नानी आई। मुनमुन शादी पर नाच उठी, गुड़िया मुकुट पहनकर आई। मीठी मधुर धुन बजवाई। यहाँ पर इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, तो देखेंगे हम। पढ़ो। पुत्र, ये त्र है हाँ, पुत्र। दातुन, गुलाल, गुजरात, मधु, बटुआ, मथुरा, धनुष, बुढ़िया, कछुआ। नेक्स्ट है चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ जो चित्र बनी हुई है उसी पर गोला लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए, किसकी चित्र बनी हुई है? बुढ़िया की चित्र बनी हुई है ना, तो यहाँ पर बुढ़िया के ऊपर गोला लगा हुआ है। ओके, वैसे ही आपको आगे की चित्र देखनी है। यहाँ पे तो लगा हुआ है फर्स्ट में, सेकंड का देखना है आपको। कौन सी पिक्चर है? गुलाब की पिक्चर है। तो यहाँ पर देखना है कहाँ लिखा है गुलाब। यहाँ पहले नंबर पे लिखा है जुराब, दूसरे पे लिखा है गुड़िया और तीसरे पे लिखा है गुलाब। तो गुलाब में आपको सर्कल बनानी है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर है, किसकी पिक्चर है? देखिए, ये कछुआ की पिक्चर है। पहले में लिखा है दातुन, दूसरे में लिखा है छुरी और तीसरे में लिखा है कछुआ। तो आपको कछुआ पर सर्कल करनी है। ओके, नेक्स्ट है वर्णों को मिलाकर शब्द लिखो। फर्स्ट नंबर पे है क प्लस छ प्लस ऊ की मात्रा प्लस अ प्लस आ की मात्रा। तो क्या बन गया यहाँ पे? पहला तो लिखा हुआ है कछुआ, वैसे ही आपको सारे बनाने हैं। तो प, प में कौन सी मात्रा जोड़ी हुई है? ऊ की मात्रा। ज में आ की मात्रा और र में ई की मात्रा, तो पुजारी। ज में ऊ की मात्रा, ह में छोटी ई की मात्रा, लेफ्ट साइड से तो छोटी ई की मात्रा है। और य में आ की मात्रा, चुईया। क, क में ऊ की मात्रा। ल, ल में
बड़ी ई की मात्रा राइट साइड से है तो बड़ी ई की मात्रा है तो क्या होगा कुली। ल में छोटे उ की मात्रा, ह में आ की मात्रा और र क्या हो गया लुहार, लुहार। ओके नेक्स्ट है चित्रों के नाम लिखो। यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, यहाँ देखिए ऐसे चित्र बने हुए हैं और चित्रों के नाम पहचानने और लिखने हैं। पहला चित्र किसका है, धनुष का है तो आपको धनुष लिखना है, धनुष धनुष। ये कुर्ता का पिक्चर है तो कुरता कुर्ता। नेक्स्ट पिक्चर गुलाब का है तो गमेउ की मात्रा लाब गुलाब। फिर ये नेक्स्ट पिक्चर है बुढ़िया का तो बू डी या बुढ़िया। ओके अभी हम आगे वर्कबुक से थोड़े अभ्यास कार्य करेंगे। ओके उ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए चित्र बने हुए हैं, फर्स्ट में चित्र देखकर नीचे लिखे शब्दों में से उनके नाम लिखो और चित्र बने हुए हैं और यहाँ पर क्या है ये देखिए यहाँ पर बॉक्स भी बने हुए हैं और बॉक्स में उनके नाम भी लिखे गए हैं। अब सही नाम चुनकर आपको चित्रों में भरने हैं, चित्र के नीचे उनके नाम लिखने। ओके तो फर्स्ट नंबर की पिक्चर क्या है, धनुष की पिक्चर है तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि धनुष कहाँ है। यहाँ देखिए ये धनुष है, हाँ तो यहाँ पे हमने धनुष लिख दिया। ओके ये कौन सी पिक्चर है, जामुन की पिक्चर है तो यहाँ पे आपको ढूंढना है जा से जामुन होगा, यहाँ पे जामुन जामुन तो यहाँ पे जामुन लिख दिया। उसके बाद ये कौन सी पिक्चर है, अच्छे से पहचानिए, ये है बुलबुल की पिक्चर तो यहाँ पे बू देखिए यहाँ पर है बुल बुल बुलबुल, यहाँ बुलबुल लिख दिया। ये कौन सी पिक्चर है, देखिए ये चुनरी की पिक्चर है, चुनरी यहाँ पे देखिए तो चुनरी कहाँ लिखी है, चुनरी चुनरी। हाँ जो जो आपने लिख दिया है उस पे ऐसे टिक लगाते जाना है। ओके ये लिख दिया, ये लिख दिया, हाँ तो उसमें टिक लगाते जाना है तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन लिख दिया। तो चुनरी लिख दिया तो चुनरी पे टिक लगा देंगे। अभी नेक्स्ट है ये कौन सी पिक्चर है, पुल है तो पुल ये यहाँ पे कहाँ पे है पुल, चलो ढूंढे यहाँ पे है पुल, देखिए पुल पुल। ओके पुल लिख दिया हमने। ओके फिर उसके बाद ये कौन सी पिक्चर है, कछुआ, कछुआ है तो कछुआ कहाँ है, यहाँ है कछुआ। ओके कछुआ लिख दिया तो टिक लगा देंगे। फिर यहाँ नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है, गुलाब की है तो यहाँ गुलाब लिख देंगे, गुलाब लिखने के बाद उसमें टिक लगा देंगे। उसके बाद ये कौन सी पिक्चर है, देखिए किसकी पिक्चर बनी है, ये पुजारी है तो यहाँ पे ये है पुजारी, पुजारी पे टिक लगा देते हैं। उसके बाद है ये कौन सी पिक्चर है, देखिए ये मुकुट की पिक्चर है, हाँ राजा मुकुट पहने हुए है तो ये मुकुट है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे मुकुट लिखा है, यहाँ पे मुकुट लिखा है। ओके मुकुट पे टिक लगा दिया। अभी ये किसकी पिक्चर है, देखनी है सुराही, सुराही की पिक्चर है, हाँ तो सुराही लिख दिया हमने। अभी ये कौन सी पिक्चर है, देखिए ये है गुड़िया तो यहाँ पे लिखा है गुड़िया, गुड़िया गुड़िया पे टिक लगा दिए। अभी कौन सा बच गया, अब इतने सारे टिक लग गए, अभी एक ही बचा है यहाँ पे जिसपे टिक नहीं है तो ये है साबुन, ये किसकी पिक्चर है, साबुन की पिक्चर है तो यहाँ लिख दिए हम साबुन। ओके अभी सब कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट में है खाली जगह भरो, क में है और यहाँ पे पिक्चर भी बने हुए हैं, खाली जगह में जो आपको भरने हैं ना उसके पिक्चर भी बने हुए हैं। अभी देखिए किसकी पिक्चर है, ये साबुन की पिक्चर है तो साबुन लगाकर नहा। फिर ख में है ये किसकी पिक्चर है, कछुआ की, कछुआ धीरे धीरे चलता है। फिर नेक्स्ट पिक्चर है गुड़िया की, गुड़िया की शादी करवाई। फिर नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, चूहिया की तो यहाँ पे लिख दिया चूहिया, चूहिया भाग गई। फिर नेक्स्ट में है वाक्य बनाओ। ओके फर्स्ट में किससे वाक्य बनाना है आपको, बुढ़िया, बुढ़िया से वाक्य बनाना है। इसके पहले के टेक्स्ट बुक में, अभी मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ाया है ना तो उसमें सेंटेंस बने हुए हैं ना, वाक्य बने हुए हैं, उसमें से भी आप लोग लिख सकते हो और अलग से भी लिख सकते हो। ठीक है बुढ़िया दादी आई, मुकुट, मुकुट का क्या बनेगा, गुड़िया मुकुट पहनकर आई। चुहिया का क्या बनेगा, चुहिया भाग गई। सुराही, सुराही का क्या बनाएंगे, सुराही का पानी पी। हाँ
यहाँ पर छोटे उ की मात्रा समाप्त होती है। आप लोगों को इसे पढ़ना है और वर्कशीट भी पूरी करनी है। ओके, वंदे मातरम बच्चों।